खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन कर किसानों की मांगों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन रीवा संभाग आयुक्त को सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि सतना में ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण के दौरान सरकार द्वारा जारी नियम कानून दरकिनार कर कंपनी ने मुआवजा वितरण किया, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। सतना के किसान विगत 5 दिनों से अपनी मांगों को लेकर टावर पर चढ़कर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में कोई अप्रिय घटना भी घट सकती है। यदि सरकार ने शीघ्र मांगे ना मानी तो संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन करेगा। कार्यालय में क्या मांगे रखी गई? सतना जिले की उचहरा तहसील में किसानों की भूमि को जबरदस्ती अधिग्रहित कर लिया गया है, जिसमें बिजली विभाग द्वारा टावर बनाया गया तथा गैस की पाइपलाइन बिछाई, जिसके विरोध में पिछले 5 दिन से किसान टावर पर चढ़कर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बेखबर और लापरवाह प्रशासन की तरफ से ना कोई बातचीत करने का उनको मौका दिया गया और ना ही कोई प्रयास किए जा रहे हैं। हम किसान यूनियन के लोग संयुक्त किसान मोर्चा रीवा के तत्वाधान में संभायुक्त महोदय को ये बताने आए कि आपके अधीनस्थ सतना जिले का प्रशासन इतना लापरवाह है कि टावर में चढ़े हुए किसानों से बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझता। अगर ऐसी बात रहेगी तो एक बड़ा आंदोलन होगा। रीवा से खबर समय जगत के लिए संवाददाता बलकरण पासी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।